Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, what do you think? That what are the most important things in our life? हमारी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बेशबाह कीमती हैं? Most of the people think that money is more valuable and more precious than the other things. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा, दौलत जो है वो बाकी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन बच्चों, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वक्त। क्योंकि बच्चों, एक बार वक्त चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। हम दौलत दोबारा से कमा सकते हैं, हम रुपया पैसा दोबारा से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वक्त को हम दोबारा नहीं हासिल कर पाएंगे। जो वक्त हमने गुजार दिया है, किसी ने वक्त गंवा दिया है, तो वक्त दोबारा उसकी ज़िंदगी में अब नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, टाइम। और ये पोएम लिखी गई है क्रिस्टियाना रोजिटी के ज़रिए से, ठीक है। क्रिस्टियाना रोजिटी ने बच्चों के लिए और भी कई सारी पोएम्स लिखी हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर पोएटेस हैं। आज हम जो है इस पोएम को पढ़ने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 54। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ मैनी सेकेंड्स इन अ मिनट। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें जो है क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, यानी पहली जो लाइन है वो हमें क्वेश्चन पूछती है और उसके बाद नीचे जो होता है सेकेंड लाइन में उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये बड़ी शानदार पोएम है। हाउ मैनी सेकेंड्स इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं 60 कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 एंड नो मोर इन इट, और इससे ज़्यादा नहीं होते हैं और हो भी नहीं सकते हैं। जो तय किया गया है, जो एक पूरा फॉर्मूला बना दिया गया है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यानी कि एक मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स का ही होता है, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स इन एन आर, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 फॉर सन एंड शार। यहाँ पर सन एंड शार का वर्ड के वर्ड्स यूज किए गए हैं। सन एंड शार ये जो है एक इडियोमेटिक पेयर है। इडियोमेटिक पेयर जो है इडियम से बनती है। ये इडियम्स क्या होते हैं? ये होते हैं मुहावरे, यानी मुहावरों की जोड़ियों को हम कहते हैं इडियोमेटिक पेयर। तो ये सन एंड शार जो है ये एक इडियोमेटिक पेयर है। हम इसमें आइंदा और भी जो है इडियोमेटिक पेयर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो 60 फॉर सन एंड शार। अब ये इडियम्स जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जब ये एक जगह होते हैं और एक इडियम क्रिएट करते हैं, तो इडियम का जो मीनिंग होता है उन वर्ड्स के असल मीनिंग से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी कई सारे जो हैं वो इडियोमेटिक पेयर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। फॉर सन एंड शार, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? सन यानी सूरज, या फिर आप उसका उजाला, धूप, ये सभी मतलब ले सकते हैं। शार यानी बरसात। तो अब इन दोनों को मिलाकर जो है एक इडियोमेटिक पेयर बनाया गया। तो यहाँ पे सन एंड शार का मीनिंग हम लेंगे खुशी और गम। देखिए डिफरेंट हो गया ना उससे, इनके ओरिजिनल मीनिंग से, ठीक है। 60 फॉर सन एंड शार। बच्चों, हमको पता है कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो बेशुमार ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें हम कभी खुशियां देखते हैं, कभी गम देखते हैं। या आप यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो खुशी और गम से भरा पड़ा हुआ है। अगले सेकंड क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। एक अच्छी खबर, एक खुश कर देने वाली खबर जैसे ही सुनाई देती है, तो अगले पल कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जिससे हम गमज़दा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर पल खुशियाँ और गम जो हैं वो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमसे अलग नहीं है। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 फॉर वर्क एंड प्ले, 24 घंटे होते हैं फॉर वर्क एंड प्ले। अब यहाँ पर वर्क एंड प्ले का मतलब क्या है कि इसमें काम भी है और खेल भी है।
ये उसके ओरिजिनल मीनिंग हुए, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला दें तो वर्क एंड प्ले का मतलब ये होगा कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वहाँ कहीं पर ऐसे भी मौके हैं, ऐसे भी लम्हात हैं, ऐसे भी औकात हैं जिसमें आप फ्री होते हैं, जिसमें आप लोगों से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जिसमें आप खेलते कूदते हैं, जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। 7 बोथ टू हियर एंड स्पीक, कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बोथ टू हियर एंड स्पीक, यानी उस एक हफ्ते के लंबे अरसे में जो है बहुत से अवकात हमें मिलते हैं जिसमें हम जो है एक दूसरे से बात करते हैं, घूमने जाते हैं, मेल मुलाकात करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे काम जो है हम उसमें निपटाते हैं। ठीक है, हाउ मैनी वीक्स इन अ मंथ, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, यानी एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं। 4 एज द स्विफ्ट मून रन्थ, कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। स्विफ्ट मून, स्विफ्ट कहते हैं तेज रफ्तार से भागना, तो स्विफ्ट मून मतलब तेज रफ्तार से जाता हुआ चांद। चांद आपको पता है कि चांद जो है वो 15 दिन पूरे होने पर जो है वो गायब हो जाता है, फिर से जो है वो नमूदार हो जाता है। ठीक है, तो 15-15 दिनों को मिलाकर जो एक महीना होता है, और उस महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो जिस तरीके से हम चांद को दौड़ता भागता हुआ जाते हुए देखते रहते हैं, आता जाता देखते रहते हैं, तो वो एक महीना गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बच्चों, यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और वो इस तरीके से गुजर जाते हैं जैसा कि चांद की रविश, चांद की रफ्तार बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, ईयर कहते हैं साल को, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 12 द एलमैनक मेक्स क्लियर, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और किसने बताया हमें, हमें ये बताया एलमैनक ने। एलमैनक कहते हैं जंतरी को, एक ऐसा इल्म जिसमें वक्त से मुतालिक मालूमात होती है। पहले के ज़माने में लोग जो उनके पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी, आज तो पूरा ज़माना डिजिटल हो रखा है, यानी बहुत ही आसान है औकात पता करना और जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाना, बहुत ही ज़्यादा सहूलतें हैं। लेकिन पुराने ज़मानों में, पिछले वक्तों में ये सब कुछ नहीं था बच्चों। तो लोग जो है वो सूरज की रविश से और धूप और छांव के अंदाज से जो है वक्त का पता लगाया करते थे। तो इसी तरीके से एक उलूम दरी, एक इल्म दरियाफ्त हुआ, एक खोज हुई जिसे हम जंतरी भी कहते हैं। तो उस जंतरी के मुताबिक जो है वो औकात को अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया। जो वक्त आज हम देख रहे हैं वो बहुत पहले बनाया जा चुका है। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स इन एन एज, एज कहते हैं सदी को, तो एक सदी में कितने साल होते हैं। 100 सेज द सेज, कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं। सेज द सेज किसने बताया, किसने कहा सेज, सेज कहते हैं अकलमंद दानिश्वर इंसानों को। ठीक है, यानी पहले के ज़मानों में जो अक्लमंद लोग थे, जो साइंसी मालूमात रखते थे, आज उनकी मालूमात पर यानी उनकी बुनियाद पर कदम रख के ही ज़माना जो है वो ऊपर आगे चल रहा है। हमने इतनी तरक्की की सीढ़ियां तय की हैं बच्चों, अगर वो उनकी दी हुई बुनियादें नहीं होती ना, तो आज हम पता नहीं क्या कर रहे होते। तो उस वक्त के दानिश्वर और अक्लमंद और सूफ़ी और संत टाइप के लोगों ने जो है हमें ये बताया कि एक सदी जो होती है वो 100 साल की होती है। ठीक है, हाउ मैनी एजेस इन टाइम, अब पूरे वक्त के अंदर में कितनी सदियां होती हैं। तो नो वन नोज द राइम, कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे टाइम को एक राइमिंग वर्ड की ज़रूरत थी, तो हमने वहाँ पे राइम ही रख दिया। तो वो हमें ये पता चला कि नो वन नोज द राइम, अब टाइम का राइम तो पता है हमको, लेकिन कितनी सदियां होती थी वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं पॉइंटर्स पर। ठीक है, पॉइंटर्स में हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म पेयर्स टू रीड द पोएम अलाउड। ठीक है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं इसमें से पढ़ता हूँ।
Form pairs to read the poem aloud. One person reads the question, the first line to each stanza, and the other one reads the answer. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर्स में इस पोएम को पढ़ना है कि एक बच्चा जो है वो पोएम की पहली लाइन यानी क्वेश्चन पढ़ेगा और दूसरा बच्चा जो है वो उसके बाद की एडजेसेंट लाइन यानी उसका आंसर पढ़ेगा. ठीक है, जैसे कि एक बच्चा ऐसा पढ़ेगा कि हाउ मैनी सेकेंड्स इन अ मिनट, तो उसके बाद दूसरा जो बच्चा होगा जो पढ़ने वाला होगा वो बताएगा कि 60 एंड नो मोर इन इट, इस तरीके से. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम देन पुट ईच पेयर इनटू टू ग्रुप्स एज फॉलोज. हमें इस पोएम को पढ़ना है और इस पोएम से हमें राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स को पिकअप करना है, उन्हें वहाँ से ढूंढ कर निकालना है और फिर उन्हें जो है इस खाके में ढाल देना है. जैसे राइमिंग पेयर्स, उसमें फिर हम ये देखेंगे कि सेम स्पेलिंग वाली राइमिंग पेयर्स कौन सी हैं और डिफरेंट स्पेलिंग वाली राइमिंग पेयर्स कौन सी हैं. ठीक है, राइमिंग पेयर्स के मीनिंग तो आपको पता ही है कि ऐसी वर्ड की पेयर जिनके लास्ट साउंड्स एक जैसे होते हैं. लास्ट साउंड्स, ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्पेलिंग भी बिल्कुल एक जैसे ही हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके साउंड्स जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए. तो हमने यहाँ पर दो तरीक़ों से जो है इसको चुना है कि सेम स्पेलिंग और डिफरेंट स्पेलिंग. तो ऐसे वर्ड्स या ऐसी पेयर्स जो एक जैसी स्पेलिंग रखती हैं उन्हें यहाँ लिखना है. जैसे डे प्ले, आप देख सकते हैं कि डे डी ए वाई डे और पी एल ए वाई प्ले, तो यहाँ पे ए वाई जो है बच्चों रिपीट हो रहा है, यानी ये कॉमन साउंड आ रहा है और कॉमन स्पेलिंग्स भी हैं. ठीक, उसके बाद में है वाई ई ए आर, ईयर और क्लियर, देखिए ई ए आर ई ए आर. ठीक, उस तरीके से एज सेज. ठीक, अब आते हैं डिफरेंट स्पेलिंग की तरफ के राइमिंग वर्ड्स तो हैं, राइमिंग पेयर्स तो हैं, लेकिन स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. जैसे मिनट, एम आई एन यू टी ई, मिनट, इसका काय से पेयर बना है इट, साउंड के बेसिस पे मिनट इट, दोनों की स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं. उस तरीके से आर शार, दोनों भी देखो एच ओ यू आर, यहाँ पे डब्ल्यू ई आर. ठीक है, उस तरीके से वीक स्पीक, मंथ रंथ, टाइम राइम, ये ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी पेयर्स हैं जिनके स्पेलिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विद टाइम फ्रॉम द पोएम. इस पोएम से जितने भी वर्ड्स जो टाइम को रिलेट करते हैं वो सारे वर्ड्स हमें यहाँ लिख देने हैं. तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सेकेंड्स, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, ईयर, एज. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो टाइम को रिलेट करते हैं. उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अदर चेन्स ऑफ हाउ मैनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एग्जाम्पल हाउ मैनी मिलीग्राम्स इन अ डेसीग्राम एक्सेट्रा. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें जो है जो हमारा जो पोएम है उस पोएम में क्वेश्चन और आंसर्स हैं. ठीक है, यानी हाउ मैनी से स्टार्ट होते हैं फिर नीचे उसका आंसर होता है, तो ऐसे ही हाउ मैनी क्वेश्चंस की जो हमें और भी क्वेश्चन और आंसर्स की हमें पेयर बनानी है. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर था कि हाउ मैनी मिलीग्राम्स इन आर डेसीग्राम, तो इसका तो आंसर आपको ही लिखना है. ठीक है, अब आंसर में हमने जो है और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स की पेयर बना दी, जैसे हाउ मैनी मिलीग्राम्स इन अ सेंटीग्राम, तो आंसर है कि 10 मिलीग्राम्स इन अ सेंटीग्राम. उस तरीके से हाउ मैनी सेंटीग्राम्स इन अ ग्राम, 100 सेंटीग्राम्स इन अ ग्राम. उस तरीके से हाउ मैनी ग्राम्स इन अ किलोग्राम, यानी एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स इन अ किलोग्राम, 1000 ग्राम्स होते हैं. उस तरीके से हाउ मैनी डेसी ग्राम्स इन अ हेक्टोग्राम, एक हेक्टोग्राम के अंदर में कितने डेसी ग्राम्स होते हैं, तो 1000 डेसी ग्राम्स इन अ हेक्टोग्राम. इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस और फिर जो है उनके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, तो बच्चों ये समझिए कि आपके लिए होमवर्क रहा. स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन is the poem contains some idiomatic pairs. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस poem में बहुत सी idiomatic pairs हैं. ये idiomatic pairs बनती कैसे हैं, two words that are often take together, जो ऐसे words, दो words जिन्हें हम अक्सर एक साथ लेकर बोलते हैं, जैसे कि sun and shower, दो words हैं, देखिए sun और shower, इसको and से जोड़ा गया, sun and shower.
वर्क एंड प्ले, हेयर एंड स्पीक एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी जो है इडियोमेटिक पेयर हमने पोएम में देखी है. नाउ जॉइन द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड्स हमें ज्वाइन करने हैं और भी ज़्यादा इडियोमेटिक पेयर्स बनानी है. जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम ए के वर्ड्स डे, नाउ, हेयर, रीड, ब्रेड, सो ऑन. ठीक है, उस तरीके से नाइट, देन, देयर और राइट, बटर एंड सो ऑन. तो हमको इसमें से वर्ड्स कैसे पिकअप करने हैं, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉलम ए का ये कॉर्नर वाला पहला वर्ड, ठीक है, डे. उसके बाद में कॉलम बी का बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा हमने वहां से लिया था बिल्कुल ऐसा ही यहां से लिया, नाइट. अब डे और नाइट ये दोनों का हम पेयर बनाएंगे, तो उसके लिए हमको वर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड या फिर और. आप एंड भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं, दोनों भी वर्ड यूज कर सकते हैं. तो कैसे बनेगा, डे एंड नाइट या फिर डे और नाइट कैसे बनेगा, डे एंड नाइट. ठीक है, उसी तरीके से हमने लिया नाउ और एज इट इज लिया देन, तो कैसे बनेगा, नाउ एंड देन. उसी तरीके से आप ले सकते हैं हेयर एंड देयर. ठीक है, हेयर एंड देयर. इसी तरह से रीड एंड राइट, ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन, हाई एंड लो. बच्चों इस तरह से जो है आपको और भी पेयर्स इन बॉक्सेस को यूज करते हुए बनानी है. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझा है. तो जल्दी ही मिलते हैं अगले लेसन के साथ.